दूसरी डिश जो मैं बनाऊंगी वो मैं बनाऊंगी फलूदा। उस फलूदा के लिए मैंने बादाम भिगा दिए थे कम से कम एक बड़ी कटोरी, और उनको अभी मैंने धो के साफ कर लिया। इनका छिलका निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, इनको हम मिक्सी में ग्राइंड करके और इसका मिल्क निकाल लेंगे, और उसके बाद जब हम फलूदा बनाएंगे तो उसमें हम ऐड करेंगे। और इसमें हम मैंगो और थोड़ी सी आइसक्रीम और थोड़ी अदर चीज़ें भी हम ऐड। रेसिपी जो हम बनाएंगे उसके लिए मैंने बादाम भिगा दिए थे एक कटोरी, और ये देखिए अच्छे से भीग गए हैं। इनको छीलने की भी ज़रूरत नहीं है, इनको मिक्सर में डाल के हम अच्छे से एक थिक पेस्ट बना लेंगे, और फिर उसको स्क्वीज करके कपड़े से इसका सारा जो मिल्क है वो निकाल लेंगे, और इस मिल्क को हम फलूदा बनाने में इस्तेमाल करेंगे। और मैंगो भी डालूंगी उसमें, मैं आइसक्रीम भी डालूंगी, चिया सीड्स भी डालूंगी। तो देखिए कैसे बनाते हैं। ये देखिए बादाम को मैंने इस तरह पीस लिया, थोड़ा पानी डाल के ठीक सा पेस्ट बनेगा। अब हम इसको छन्नी में डाल के छानेंगे। कपड़ा जरूर बिछा लीजिए। थोड़ा सा इसमें पानी और डालेंगे, इस तरह इसको हल्का सा हिलाना है, और जब बाद में नीचे निकल जाएगा दूध तो उसको पकड़ के हम पोटली बना के नीचे हो। ये देखिए जब लास्ट में इसमें थोड़ा सा ये बचे तो इसको इस तरह दबा दबा के जो इसमें बचा हुआ दूध है बादाम का उसको निकाल लेना। इस दूध को हम फलूदा में इस्तेमाल करेंगे, और जो बचेगा उसमें मैं क्या करती हूँ, 2 चम्मच दही डाल के इसको जमा देती हूँ, और इतनी अच्छी कर्ड बनती है बादाम के दूध की। ये देखिए ये पूरा निचोड़ने के बाद बादाम इस तरह हमें मिला है, एकदम मुलायम आटे जैसा। इसको आप फेशियल स्क्रब के लिए यूज़ कर सकते हैं, हाथ पैर रगड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको फ्रिज में एक डब्बे में रख दीजिए और डेली फेस में लगा सकते हैं थोड़ा सा पानी ऐड करके। ये देखिए कितना बढ़िया बादाम मिल्क रेडी हो गया। इसे आप ऐसे भी हल्का शक्कर या आइस क्यूब्स और थोड़ा सा रुआफ़ज़ा डाल के शेक बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम फलूदा बना रहे हैं तो इसे हम फलूदा में इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, बहुत ही टेस्टी होता है, इसे ज़रूर ट्राई करिए। ये देखिए हमने फलूदा बनाने की सारी तैयारी कर ली है। एक में हम रुआफ़ज़ा वाला फलूदा बनाएंगे और एक विदाउट रुआफ़ज़ा वाला फलूदा बनाएंगे। उसमें मैंने थोड़ा सा रुआफ़ज़ा डाला है, और उसको इस तरह आप पूरे जो आपका कप या मग जो भी आप लें उसमें इस तरह फैला दें। थोड़ी सी वर्मीसिली डालेंगे जो हमने पहले से इसमें उबाल के अलग से रख दी थी, और हल्का सा इसमें शुगर भी डालेंगे। दूध है, मैंने 1 किलो दूध को 1/2 किलो होने तक खिटाया हुआ है, और इसमें शुगर और केसर के थ्रेड डाल दिए थे, तो अब हम थोड़ा सा इसमें वो डालेंगे। ये मैंने मैंगो चॉप करके रखा हुआ है छोटे छोटे पीसेस में, वो इसमें ऐड कर देंगे, और इसे अच्छा रिच क्वांटिटी में डालिए, मीठे रहते हैं स्वाद में भी अच्छा लगता है। ये देखिए चिया सीड मैंने पहले से ही भिगा के रखे थे, 1-1 चम्मच वो भी डालेंगे। ये मैंने आपको दिखाया था कि मैंने बादाम मिल्क किस तरह बनाया था, इसको फ्रिज में ठंडा कर लिया, थोड़ा सा बादाम मिल्क भी इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद मैंने वेनिला आइसक्रीम ली है, 1-1 स्कूप इसमें हम वो भी डाल देंगे। फिर से थोड़ी वर्मीसिली डालेंगे। फिर से इसमें हम मैंगो ऐड कर देंगे। मिल्क डालेंगे फिर,
थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे इसमें। थोड़ा सा बादाम मिल्क ऐड करेंगे। थोड़ा सा चिया सीड ऑयल डालेंगे। थोड़ी सी वर्मिसेली ऑयल डाल देंगे। ये ड्राई फ्रूट्स हैं थोड़े से, ये ऊपर से इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डालेंगे इसमें। बादाम मिल्क थोड़ा सा और ऐड करेंगे। और फाइनली थोड़ा सा मैंगो। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, बादाम और काजू काटे हुए हैं मैंने। लीजिए, टेस्टी टेस्टी फलूदा तैयार है। इसे आप जरूर बच्चों को बना के खिलाइए, समर में बहुत ठंडा और रिफ्रेशिंग है ये। लीजिए, टेस्टी टेस्टी फलूदा तैयार है। ये रूह अफ़ज़ा वाला और ये विदाउट रूह अफ़ज़ा वाला, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट बना है। इसे गर्मियों में खाइए, ठंडा ठंडा बच्चों को सर्व करिए। और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिए। थैंक यू।